एक तरफ इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी शांत नहीं बैठा है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर इजराइल को ऐसे निशाना बनाया कि उसने इजराइल को गहरे जख्म दे दिए। और तो और, इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्ला के हमलों के आगे फेल होता नजर आया। तभी तो खबर सामने आई है जब हिजबुल्ला ने सेंट्रल इजराइल के बिन्यामीन शहर में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए तो उसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्ला का यह हमला इजरायली आर्मी के ट्रेनिंग बेस पर था और यही वजह है कि इसमें 4 ट्रेनी सैनिकों की मौत हो गई जबकि 40 घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला इजराइल की उस सेना के बेस पर था जहां इजराइल अपने सैनिकों को ट्रेन करता है। जो 4 जवान मारे गए हैं उन्हें मरने के बाद सर्जेंट की उपाधि दी गई है। मरने वालों में ये चारों जवान महज 19 साल के थे और हिजबुल्ला के हमले में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हमले को लेकर भी अब कई तरह से सवाल उठने लगे हैं। कारण यह है कि परिवार का कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं आया और इस कारण इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरह से गलोनी ट्रेनिंग बेस पर यह हमला हुआ उससे काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिर क्यों इजराइल की डिफेंस मैकेनिज्म इस हमले को रोकने में विफल रही? लेकिन जिस तरह से इस हमले में 4 जवानों की मौत हुई है उसे लेकर इजरायली जवानों की आंखें नम नजर आईं। उन्होंने अपने शहीद साथियों को आखिरी विदाई दी। इस पूरे हमले को लेकर जो इजरायली आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कहा गया है कि हम युद्ध में हैं और ट्रेनिंग बेस पर जो हमला हुआ वो वाकई में बहुत परेशान करने वाला और मुश्किल था और यही वजह है कि इसका दुखद परिणाम भी सामने आया है। उन्होंने अपने दूसरे सहयोगी जवानों से कहा है कि आपने त्वरित जिस तरह से कार्रवाई की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया वो काफी सराहनीय है, इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। हिजबुल्ला ने इस हमले के बाद ये कहा है कि ये उस हमले का जवाब है जहां बेरूत में इजरायली सेना ने 2 बड़े एयर स्ट्राइक करके बड़ी तबाही मचाई थी और अब जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है उससे एक बात साफ है कि हिजबुल्ला अब इजराइल के आगे कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि वो लगातार इजराइल के हमलों के जवाब में हमला किए जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।